हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ जमशेदपुर। दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ जमशेदपुर। यहाँ एक मरीन ड्राइव नाम का कोई रोड है, तो यहीं का आज ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। आपको हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि मरीन ड्राइव जमशेदपुर का कैसा है और कहाँ है और यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या है, स्पेस किस तरह से बनाया गया था। चलिए दोस्तों आप लोगों को बैक कैमरा से कुछ चीज़ दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप हमारा इंस्टाग्राम डिस्प्ले पे लिंक शो कर रहा होगा, वहाँ से फॉलो करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो यही रहा मरीन ड्राइव जमशेदपुर का, जो कि गम्हारिया टू कांडरा का मेन रोड, आदिपुर मेन रोड जो है उससे कट कर एक टोल रोड आता है, इसको टोल रोड से भी लोकल लोग कुछ जानते हैं। तो ये रहा मरीन ड्राइव। तो चलिए मैं आपको कुछ व्यू देता हूँ मरीन ड्राइव का, कहाँ पे आप घूम सकते हो और यहाँ पे आपको किस टाइप का व्यू देखने। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे टोल टैक्स भी बनाया गया है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जैसे ट्रक और बस वगैरह या फिर कोई फोन वगैरह क्रॉस करता है यहाँ से, तो आपको कुछ टोल टैक्स देना होगा जो कि झारखंड सरकार द्वारा लगाया गया यहाँ पे टोल टैक्स। और इस बस्ती के साथ यह बस्ती का नाम करके एरिया में आता है भाटिया बस्ती, इसमें इस रोड को बनाया गया है। तो चलिए आगे खरकाई में मिलता है उस नदी को भी आपको दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों ये रहा खरकाई नदी का पुलिया। तो आपको मैं खरकाई नदी का पुलिया पे रुक कर भी कुछ व्यू दूंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों साइड से ब्रिज बनाया गया, बीच में डायवर्सन दिया गया और दोनों साइड में आदमी को क्रॉस करने के लिए देखिए सिंगल वे बनाया गया है और दोनों साइड से टू टू लाइन का इसमें पुलिया बनाया गया है। तो फिलहाल दोस्तों ये देखिए जो आप देख पा रहे हैं यही हुआ खरखाई नदी जमशेदपुर का, जो कि काफ़ी मशहूर है। यही नदी है जो जमशेदपुर का जो पावर प्लांट है ये टाटा स्टील का, जो बीचों बीच से गुजरता है, यही नदी जो है इसी नदी के द्वारा बनाया जाता है। आप देख सी पुल पे हम खड़े हैं, ये रहा। तो फिलहाल दोस्तों अब हम लोग पुलिया की ओर से आगे बढ़ चुके हैं। तो पुलिया खरखाई का पुलिया से आप जैसे ही क्रॉस कीजिएगा तो आपको उस साइड जो आपको जो ट्रक की साइड इधर स्टेट होकर आप उस साइड जाते हो तो सोनाली चले जाएगा, इस साइड जाते हो तो मरीन ड्राइव कदमा की ओर चले जाइएगा। तो चलिए हम लोग तो कदमा की ओर जाना है, मतलब मरीन ड्राइव जाना है, तो चलिए मरीन ड्राइव की ओर चलते हैं और आपको मरीन ड्राइव का व्यू देते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों जमशेदपुर में मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है, ऐसे फिलहाल तो ठंड का मौसम है, यहाँ धूप काफ़ी तगड़ी हो रखी है, इससे ठंड का पता नहीं चल रहा, मौसम काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऐसे भी यहाँ ठंड ज़्यादा नहीं पड़ता, तो यहाँ गर्मी में थोड़ा ज़्यादा होता है, गर्मी का काफ़ी गर्मी लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं आपको दिखा के। तो आप मरीन ड्राइव में आगे बढ़िएगा थोड़ा सा 1.5 से 2 किलोमीटर तो आपको एक देखिए चौक टाइप का मिल जाएगा। तो इस साइड अगर आप जाते हो तो आप कदमा मानगो वगैरह जा सकते हो, आप अगर चाहो तो मानगो स्टेट से भी जा सकते हो, जैसा कि मरीन ड्राइव होते भी मानगो आप जा सकते हैं। अगर आपको कदमा जाना है तो आपको इस चौक से लेफ्ट लेना होगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस साइड में रहा दोस्तों, इस साइड आपको खरखाई नदी दिख जाएगा और इस साइड दिख जाएगा कदमा बस्ती। तो इस साइड का एरिया जो है कदमा बस्ती में आता है, इस साइड जो है खरखाई नदी है। तो दोस्तों ये रहा दुमुहानी का जो छठ घाट है, ये रहा दुमुहानी का छठ घाट। यहाँ पे एक शिव मंदिर में जैसे कि आप देखिए आप बोर्ड पे देख पा रहे हो दुमुहार छठ घाट सोनारी। इन ड्राइव में आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पे दुमुहानी छठ घाट भी मिल जाएगा, एक यहाँ पे अच्छा सा रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे थे इसलिए मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करके आपको दिखा नहीं सका, नहीं तो मैं आपको कभी ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर यहाँ पे दुमुहानी का छठ घाट दिखाऊंगा। यहाँ के दुमुहानी में छठ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पर्यटकों का भीड़ लगता है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे घाट भी सजाया जाता है और छठ भी किया जाता है। ये रहा दुमुहानी का जो नदी है, जो खरकाई नदी मैं जैसे बता रहा था, ये रहा इसका ब्रिज। और आपको यहाँ पर कुछ रुक कर व्यू दिखाता हूँ, इस नदी का क्या खासियत है ये भी बताते हैं। तो ये रहा दुमुहानी का नदी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दो नदी है, खरखाई नदी और दुमुहानी नदी, दोनों आपस में मिलकर देखिए आपको जो मैंने छठ घाट दिखाया था वहीं से मिलकर देखिए एक उस साइड से आया, एक इस साइड से और उस साइड चला गया है। तो यही ये नदी का खासियत है, इसीलिए इसका नाम दुमुहानी रखा गया है। और इसको देखिए ब्रिज बनाया गया है जो कि ये टाटा और रांची को भी जोड़ता है, ये रोड ये पुल बनने से।
टाटा राजी जो जाने वाले लॉन्ग टूर के बस हैं वो भी इस तरह से आते हैं। इन ड्राइव से अगर आप इस नदी के नीचे अगर जाना चाहते हो तो देखिए यहाँ से कुछ इस टाइप का कच्चा रास्ता बना दिया गया है जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं। जिसको जाना होता है, नदी को देखना होता है, वो इस रास्ते के थ्रू देखिए साइड से सीढ़ी टाइप का बना दिया गया, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। देखिए सीढ़ी टाइप का भी बना दिया गया है, कुछ बाइक नीचे ले जाने के लिए इस टाइप का कच्चा रास्ता भी बना दिया गया है। तो फिलहाल हम दोस्तों आ चुके हैं जेवियर कॉलेज के पास, स्कूल के पास, जो जेवियर मैजन जेवियर मास्टर डिग्री के लिए स्पेशली जाना जाता है, जो कि यहीं आपको मरीन ड्राइव से आप आगे बढ़िएगा मानगो की ओर तो मिल जाएगा आपको। इसको XLRI के नाम से भी जाना जाता है, प्लस में जेवियर स्कूल ऑफ मेजरमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको जूम करके दिखाया तो यहाँ का मास्टर डिग्री काफ़ी फेमस है, यहाँ का मास्टर डिग्री को बेस्ट माना जाता है और यहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। प्लस में इसे हॉस्टल का भी सुविधा दिया गया है, तो काफ़ी जम स्कूल का पॉपुलर स्कूल है दोस्तों, और ये मरीन ड्राइव में ही पढ़ता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए आपको इस रोड काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी तभी आ रहा है मरीन ड्राइव का। तो सिरपुर में चार चांद लगाने के लिए एक मैप भी है, तो आप यहाँ पे अगर जम चाहते हो तो इस मरीन ड्राइव मिल रहा हो एक बार घूमो, आपको बेहद पसंद, मुझे बहुत पसंद है मरीन ड्राइव, इसलिए मैं यहाँ आया था। तो सोच रहा कि यहाँ का क्यों ना आप लोग को ब्लॉगिंग कुछ करके आपको दिखाएं कि क्या मरीन ड्राइव, और आई होप आप लोग भी यहाँ का एक बार आकर यहाँ पे विजिट करो, देखो कैसा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मानगो आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये चौक रहा जो कि साक्षी की ओर, इस साइड अगर आप जाते हो तो साक्षी ओर की ओर चले जाइएगा, और इस साइड आप जाते हैं गोलचक्कर से तो आप मानगो की ओर चल जाइएगा। यही रहा वो गोलचक्कर, इस गोलचक्कर के पास आपको देखिए कुछ यहाँ पे खिलौने वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप अगर सीधे चले जाते हो तो आप चले जाइएगा साक्षी, और इस साइड जाते हो तो चले जाइएगा मानगो बस स्टैंड की ओर। दोस्तों हम लोग मानगो बस स्टैंड के पास आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे गोलचक्कर रहा मानगो का। तो अगर आप स्टेट जाते हो तो स्टेट जाइएगा तो आपको मानगो बस स्टैंड दिख जाएगा, और इस साइड अगर आप चले जाते हो तो इस साइड आपको जो खरखाई का पुल है, सोनरेखा का पुल है, ये देखिए नीचे जो टू व्हीलर और टेम्पो वगैरह ऑटो वगैरह के लिए बनाया गया, ऊपर देखिए जो है फोर व्हीलर ट्रक वगैरह के लिए पुल बनाया गया। हम लोग फिलहाल सोनरेखा नदी को पार कर रहे थे। दोस्तों आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं ऐसा इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।